प्राकृतिक तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील जगहों में से एक है येलोस्टोन। सुपर वोल्केनो प्राचीन समय से ये धारणा रही है कि ये महाज्वालामुखी किसी दिन दुनिया के खात्मे की वजह बनेगा या फिर अमेरिका में भारी तबाही लाएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी मात्रा में गर्म लावा की खोज हुई है। ये खुलासा 18 साल की स्टडी के बाद किया गया है। हॉलीवुड फिल्म 2012 में भी इसी जगह से प्रलय की शुरुआत दिखाई गई थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के नीचे जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा गर्म लावा है। ये खोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों की टीम ने की है ताकि इसके अगले बड़े विस्फोट का पता किया जा सके। रॉस मैग्वायर ने बताया है कि येलोस्टोन के नीचे बहुत बड़ा मैग्मा रिजर्वायर है। हम फिलहाल ये नहीं बता सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर मौजूद गर्म लावा कब फूटेगा, इसके विस्फोट की तीव्रता कितनी होगी या ये कितना शक्तिशाली होगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये नहीं कह सकते क्योंकि ये इलाका भौगोलिक तौर पर बहुत संवेदनशील है। अभी लावे के पिघलने की दर 16 से 20 फीसदी है, लेकिन ये बढ़कर 35 से 50 फीसदी होता है तो येलोस्टोन सुपर वोल्केनो में भयानक विस्फोट हो सकता है। लेकिन किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे कई वजह होती हैं, लेकिन पिघले हुए लावे का स्टोरेज, बहाव और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ज्वालामुखी के आसपार हर साल औसतन 1000 से 2000 ऐसे भूकंप आते हैं जो नापे जा सकते हैं, ज्यादातर 3 तीव्रता के कम होते हैं। ये जगह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज का हेरिटेज साइट है। यहाँ कई गर्म पानी के तालाब और प्राकृतिक फव्वारे हैं जो नीचे के गर्म लावे की वजह से गर्म रहते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।